यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में ऑटो चालकों की मनमानी और बार बार चालान की कार्रवाई के बाद भी शनिवार को धर्मशाला चौराहे पर वाहनों की चेकिंग करते हुए कोविड 19 के जारी गाइडलाइन और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने ऑटो चालकों को जागरूक करते हुए बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन की वजह से आम जनमानस जाम से परेशान होते हैं। ऐसे में आप सभी ऑटो चालक यातायात नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करें, साथ ही बिना मास्क लगाए न खुद वाहन चलाएं और न ही बिना मास्क लगाए सवारियों को अपने वाहन में बैठाएं। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि यातायात माह के तहत लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के वाहनों के चालान काटने और समन शुल्क की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यातायात माह के तहत विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को भी यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान टीआई अख्तियार अहमद अंसारी, सुनील सिन्हाल और विनोद शर्मा सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा,
चलती गाड़ी भी सर रोक रोक के चालान कर देते हैं ऑनलाइन। गाड़ी को नहीं करेंगे तब करेंगे जब मास्क नहीं लगाए तब करेंगे जब नहीं सर। ये बात तो आज आप बताए ना, कल परसों यही धमकाले लोग कर रहे थे। ये बात तो आज सवारी ज्यादा भरी है तो हो जाएगा। ये बातें सर आज गाड़ी चल रही है जल्दी जाएगा। आज ये अभियान ऑटो रिक्शा ई रिक्शा इनके खिलाफ चल रहा है। इसमें जो चालक हैं जो सवारियां हैं अधिकांशतः बिना मास्क के दिख रही हैं। कई ई रिक्शा चालकों के पास डीएल भी नहीं है और वाहन चला रहे हैं। इसको लेकर के अभियान है, इनको चेक किया जा रहा है। जो बिना डीएल बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। और भी हम अभियान चला रहे हैं, एक जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियां निर्धारित रूट पर चले इसको भी देख रहे हैं, क्योंकि तो जगह जगह से ऑटो चल रहे हैं, कहीं पे डीजल वाले ऑटो चल रहे हैं। जिनको शहर के बाहर रहना है तो शहर के बाहर ही रहें, इसको लेके अभियान चल रहा है। इसी तरह से ई रिक्शा चालकों के खिलाफ शिकायतें मिलती हैं कि बिना डीजल के चल रहे हैं, छोटे बच्चे चला रहे हैं, इनको भी देखा जा रहा है और जो उल्लंघन में पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक अभी सुबह से जब से हम लोग कर रहे हैं लगभग 50 गाड़ियों के आसपास हम लोगों ने चालान कर दिया है और ये हम लगातार करते रहेंगे।